ओसवाल समाजाचा शानदार दीपावली मिलन कार्यक्रम रविवारी सांस्कृतिक भवन येथे मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला। यावेळी एंटरटेनमेंट या थीमवर ओसवाल समाज बांधवांनी दिवाळीचा प्रचंड जल्लोष केला। श्री ओसवाल संघ, ओसवाल महिला संघ, ओसवाल बहुसंघ व ओसवाल युवक संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित या दिवाळी मिलन कार्यक्रमाची सुरुवात नवकार मंत्र व गणेश वंदनेने झाली। यावेळी लहान बालकांची फॅन्सी ड्रेस स्पर्धा, शोले डान्स समूह नृत्य, महिलांचे सोलो व ड्युएट डान्स, कराओके, गीत गायन स्पर्धा, ज्येष्ठ नागरिकांचा कॅटवॉक व फॅन्सी ड्रेस स्पर्धांचं आयोजन पार पडलं। विविध रंगभूषा वेशभूषा साकारलेल्या बालकांनी सर्वांचंच लक्ष वेधलं। यावेळी बालकांनी राधाकृष्ण क्रिकेटर, मोटू पतलू सैनिक, डॉक्टर बनून सामाजिक आशयाचे संदेश दिले। तर नृत्य स्पर्धेमध्ये एकापेक्षा एक नृत्यविष्काराची प्रस्तुती देण्यात आल्याने उपस्थित प्रेक्षक सुद्धा जागच्या जागेवर थिरकले होते। या कार्यक्रमात ओसवाल समाजातील नामांकित व्यक्ती तसेच उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या व्यक्तींचा देखील सत्कार करण्यात आला। त्याचबरोबर शिवराज मुणोत यांना सेवारत्न पुरस्कार, नवीन चोरडिया यांना उद्योगरत्न तर राजेंद्र लुणावत यांना जीवन गौरव पुरस्कारांना सन्मानित करण्यात आलं। या कार्यक्रमात ओसवाल समाज बांधवांनी दिवाळी उत्सवाचा प्रचंड आनंद लुटला। तसेच यावेळी ओसवाल समाजाचे चंदू सोजतिया, संजय आंचलिया, मीना मुथा, राणी गांधी, दुर्गेश बुच्चा, नरेश चौधरी, सुरेश जैन, राजेंद्र भंसाली, संजय मुणोत, सुदर्शन चोरडिया, शिवराज मुणोत आदींसह ओसवाल समाज बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। मेरा नाम है आस्था सिंह, मेरा प्रिंस कब आएगा? वाटर ड्रॉप ये उन पीले को जिसकी पैदा होते खाती है, बहुत उपयोग हो रहा है। हम अक्सर मार्केट में जाते हैं तो झोला और बैग नहीं लेके जाते हैं, लेकिन प्लास्टिक बैग लेके जाते हैं, इसलिए प्लास्टिक बैग बहुत हानिकारक होती है। दोस्तों, आपको मैं बताऊं देवियों और सज्जनों, आज के इस फास्ट युग में ये बुजुर्ग हमारे साथ रहते हैं, लेकिन केवल रहते नहीं है, ये समय के अनुसार अपने आप को ढाल रहे हैं। इनमें से कई लोग, कई हमारे बुजुर्ग आज व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर भी अपडेट करते रहते हैं।